हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में आगे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो अभी का क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से रिलेटेड है। एक ट्राइंगल दिया हुआ है एबीसी, उसमें बताया हुआ कि एंगल बी जो है 90 डिग्री है, ए बी का भी लेंथ दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, ठीक है, और ए सी माइनस बी सी का वैल्यू दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, और उसके बाद बोलता है कि साइन ए कॉस ए साइन सी एंड कॉस सी का वैल्यू निकालिए, ठीक है। तो हम पहले ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है। उसके बाद बोलता है कि एंगल बी जो है 90 है, इसलिए इस एंगल को हम लोग जो है बी मान लेते हैं। तो बच गया ए और सी, तो हम यहाँ पर बिठा दिया, अब एंगल ए बी सी आ गया। इसमें अब दिया हुआ है कि ए बी जो है 7 सेंटीमीटर, ये ए बी है, तो ये हो गया हमारा 7 सेंटीमीटर। उसका बोलता है ए सी माइनस बी सी, ए सी माइनस बी सी, इस दोनों का डिफरेंस 1 सेंटीमीटर है। इसमें से एक को हम मान लेंगे, इसको मान लें या इसको मान लें, किसी एक को हम मान लेते हैं, मान लेते हैं बी सी को ही हम मान लेते हैं एक्स सेंटीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ लिखेंगे लेट बी सी इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर, ठीक है। फिर हमको दिया हुआ है ए सी माइनस बी सी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो ए सी माइनस बी सी, बी सी का वैल्यू कितना है एक्स सेंटीमीटर, ये हो गया 1, तो ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स सेंटीमीटर हो जाएगा, ये उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ए सी क्या हो गया हमारा 1 प्लस एक्स सेंटीमीटर, 1 प्लस एक्स सेंटीमीटर, ठीक है, 1 प्लस एक्स सेंटीमीटर ए सी। तो हमको अब जो है तीनों का वैल्यू मिल गया, ए बी मिल गया, बी सी मिल गया और ए सी मिल गया, ठीक है, ए बी बी सी और ए सी तीनों मिल गया। अब जो है हमको इसका वैल्यू निकालना है, तो एक्चुअल लेंथ भी हमको पता करना होगा बी सी का और ए सी का, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, एक्स का वैल्यू निकालना होगा। उसके लिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो क्या हो गया हमारा ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर क्या हुआ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ए बी का वैल्यू क्या हुआ 7 स्क्वायर और बी सी का वैल्यू क्या हुआ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब जो है हम इसको उठा के इधर ले आएंगे, इसको उठाकर हम इधर ले आएंगे, ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 7 स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये क्या हो गया ए, ये क्या हो गया बी, ये हो गया हमारा ए स्क्वायर, ये हो गया हमारा बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर ये ए स्क्वायर है और ये बी स्क्वायर है, तो ये फॉर्मूला हमारा अप्लाई होगा, उसी फॉर्मूला को हम अप्लाई करेंगे। इसको हम लोग मान लिए ए स्क्वायर, इसको मान लिए बी स्क्वायर, तो फॉर्मूला हो गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो इसी फॉर्मूला को हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो ए हो गया हमारा 1 प्लस एक्स, तो ए का वैल्यू क्या होगा 1 प्लस एक्स और प्लस क्या हो गया बी, बी कितना है एक्स, ये हो गया हमारा। उसके बाद जो है ए माइनस बी है, ए हो गया हमारा 1 प्लस एक्स और बी क्या है एक्स है, तो एक्स को हमने माइनस कर दिया, तो कितना आया इक्विवेलेंट 7 स्क्वायर 49 आ गया। यहाँ पर देखो 1 प्लस 2 एक्स आ जाएगा और यहाँ एक्स एक्स कट जाएगा, तो 1 बचा कुछ नहीं है, ये हो गया 49। उसके बाद 2x = 49 माइनस 1, ये उधर जाएगा माइनस 48 हो गया, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 48/2=24, तो x का वैल्यू हो गया 24, यानी बी सी जो है 24 सेंटीमीटर है, तो ये कितना हो जाएगा ए सी क्या हो जाएगा एक ज़्यादा हो जाएगा, यानी ये 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देयरफॉर बी सी इक्वल टू x = 24 सेंटीमीटर,
ठीक है। और ए सी इक्वल टू क्या होता है, 1 + x इक्वल टू 1 + 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो सब मिल गया, ए सी बी सी सब तीनों जो है मिल चुका है। अब जब सारा लेंथ मिल गया तो हम लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का वैल्यू निकालना जो है बहुत ही आसान हो गया। अब हमको सबसे पहले क्या निकालना है, साइन ए। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पी वाई एच। तो ए के लिए पी कौन होगा, ये एंगल ए है, ए के लिए पी होगा बी सी। तो हो गया ये बी सी और हाइपोटेनस तो यही होगा 90 के अपोजिट एंगल, और 90 एंगल के अपोजिट हुआ तो ये हो गया ए सी। बी सी का वैल्यू कितना निकाल रहे हैं, 24। ए सी का वैल्यू कितना है, 25। निकल गया साइन ए का वैल्यू, उसी तरह से कॉस ए का वैल्यू, ये हो जाएगा बी बाई एच। ठीक है, तो एंगल ए के लिए बी कौन होगा, ये बगल वाला है, ये होगा, और एच तो ए सी ही होगा। तो बी क्या हो गया ए बी, और एच क्या हो गया ए सी। तो ए बी कितना हो गया 7, और ए सी कितना हो गया 25। उसके बाद है साइन सी। अब इसका भी फॉर्मूला वही ना होगा, पी वाई एच ही होगा साइन एच, लेकिन सी के लिए पी क्या होगा, एंगल सी ये है, इसके लिए पी हो जाएगा ए बी, और फिर सामने वाला जो होता है वही नहीं होता है, और हाइपोटेनस हमेशा ए सी है ना। परपेंडिकुलर लेंथ क्या होता है, अपोजिट वाला साइड, और बेस क्या होता है, बगल वाला। तो एंगल सी के लिए अपोजिट साइड ये है, इसीलिए ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो ए बी का वैल्यू कितना है 7, ए सी का वैल्यू कितना है 25। अब एक और बचा कॉस सी, ठीक है, इसका भी फॉर्मूला तो बी वाई एच ही होगा। ठीक है, एंगल सी के लिए बेस ये होगा, क्योंकि यही बगल वाला साइड है, यही बेस लेंथ होगा। तो हो गया बी, हो गया हमारा बी सी, और हाइपोटेनस तो ए सी ही है। तो बी सी का वैल्यू कितना है 24, और ए सी का वैल्यू कितना है 25। तो सारा वैल्यू निकल गया इस तरीके से, बहुत ही सिंपल है, सॉल्यूशन में कोई परेशानी नहीं है। ओके, हमने एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल ए बी सी, एंगल सी जो है 90 है, टेन ए का वैल्यू दिया हुआ 1/√3। बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस, इसमें जो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू निकाल लेंगे और उस वैल्यू को पुट कर देंगे, तुरंत बन जाएगा। तो इसमें भी बहुत बड़ी कुछ डिफिकल्टी नहीं है, यहाँ भी वही करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू निकालना है, और फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। तो उसके लिए फिर से हम क्या करेंगे, ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, ट्रायंगल बनाने के बाद इसमें जो इंस्ट्रक्शन है बोल रहा है एंगल सी जो है 90 है, क्या एंगल सी क्या है 90 है, इसको हम लोग सी लिखेंगे। ठीक है, इसको हम ए लिख देते हैं, इसको हम बी लिख देते हैं। ठीक है, अब एंगल ए के हिसाब से दिए हुए एंगल ए, टेन ए का वैल्यू दिया हुआ है, एंगल बी इधर है, ये दो ए हैं। तो टेन ए के हिसाब से जरा हम लोगों को कुछ लेंथ पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ क्या है, टेन ए इक्वल टू 1/√3 दिया हुआ है, और हमको मालूम है कि टेन ए इक्वल टू पी बाय बी होता है, टेन ए इक्वल टू पी बाय बी होता है, ये मालूम है हमको टेन ए का वैल्यू। तो एंगल ए के लिए पी कौन होगा, एंगल ये ए है, इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन है, इसका जो अपोजिट साइड होगा, इसका अपोजिट साइड कौन है, यही इसके सामने वाला जो साइड है वही तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, तो बी सी हो गया इसके लिए। ठीक है, और बेस कौन होगा, बेस लेंथ कौन होगा, जो बगल होगा, यही बगल है एंगल ए का, इसलिए बेस लेंथ हो गया ए सी। तो अब देखो टेन ए का वैल्यू 1/√3, टेन ए का वैल्यू बी सी बाई ए सी, ये दोनों इक्वल हुआ कि नहीं, देयरफॉर बी सी बाई ए सी इक्वल टू 1/√3। ठीक है, तो हो गया बी सी इज टू ए सी इक्वल टू 1:2
√3। देयरफॉर BC इक्वल टू 1x हो जाएगा, 1x लिखो या x लिखो बात एक ही है। एंड AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3x। अब हमको BC मिल गया x, ठीक है, और AC मिल गया √3x। हमको ए भी निकालना होगा, ठीक है। तो ए भी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो ए भी क्या है, हाइपोटेनस है। तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है ना, BC स्क्वायर। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हाइपोटेनस हो गया। तो हाइपोटेनस में क्या होता है, बाकी दोनों साइड के स्क्वायर को अगर ऐड करेंगे तो हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। इसलिए ए बी जो है हमारा हाइपोटेनस है यहाँ पर, क्योंकि 90 डिग्री के अपोजिट साइड में है, 90 डिग्री का जो एंगल होता है उसका अपोजिट साइड है ये, इसलिए हाइपोटेनस है। तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर हो जाएगा। तो ए बी स्क्वायर AC का वैल्यू कितना आया है, √3x स्क्वायर हो गया। फिर BC जो है क्या है, x स्क्वायर हो गया। ये हो गया 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, हो जाएगा हमारा 4x स्क्वायर। तो फाइनली क्या हुआ, ये AB स्क्वायर का वैल्यू इतना हुआ। तो AB इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4x स्क्वायर। तो फाइनली आंसर आ जाएगा 2x, यानी AB का वैल्यू आ गया 2x, ठीक है। अब तीनों वैल्यू हमको मिलेगी, तीनों साइड का लेंथ मिल चुका है, ट्रायंगल के तीनों साइड का लेंथ मिल गया। तब आराम से जो है हम आगे का जो निकाल सकते हैं, ठीक है, आगे का जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो जो ज़रूरत है वो निकाल लेंगे। अब कौन कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का ज़रूरत है, साइन ए का ज़रूरत है, कॉस बी का ज़रूरत है, ठीक है। तो साइन ए का निकाल लेते हैं, ठीक है। साइन ए एंगल ये है, इसका साइन है, साइन का क्या होता है फॉर्मूला, PYX। तो साइन ए के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन होगा, जो इसका अपोजिट साइड है, इसका अपोजिट साइड ये है BC। तो ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस साइन ए के लिए। और हाइपोटेनस ये सबसे बड़ा वाला लाइन जो है, ये AB है अपोजिट टू 90 डिग्री एंगल, तो हो गया AB। BC कितना है, x है। AB कितना है, 2x है। तो कितना आ गया, हाफ हो गया साइन ए का वैल्यू। उसके बाद कॉस बी को निकालना है, ठीक है। कॉस बी का फॉर्मूला BY x होगा, और b के लिए बी कॉम होगा, कॉस बी है ना, तो एंगल बी के लिए बेस ये होगा, बगल वाला ही ना, मतलब एंगल बी ये है, इसका बगल वाला साइड ये है एडजेसेंट साइड। तो BC हो गया इसके लिए बेस लेंथ, ये हो गया हमारा BC। और हाइपोटेनस क्या है, एच है। हाइपोटेनस तो AB ही है, AB हो गया, सेम वैल्यू आ जाएगा 2x, तो हाफ हो गया। तो कॉस साइन ए निकल गया, कॉस बी निकल गया। अब हमको कॉस ए चाहिए, ठीक है, कॉस ए चाहिए। तो कॉस ए इसका भी तो BH ही फॉर्मूला होगा, लेकिन एंगल ए के लिए बेस कौन होगा, ये बगल वाला ही ना, एंगल ए का बगल वाला साइड ये है AC, ये होगा बेस। यहाँ पर AC हो गया ये, और हाइपोटेनस तो सेम ही होगा AB। AC कितना है, √3x है, और AB कितना है, 2x है। तो x कट गया, क्या बचा हमारे पास, √3/2। ठीक है, cos भी निकल गया, अब साइन भी निकालना है। साइन बी का भी फॉर्मूला क्या होगा, PYH होगा, ठीक है। अब एंगल बी के लिए पी कौन होगा, ये एंगल बी है, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा होगा, जो अपोजिट साइड है, इसका अपोजिट साइड कौन है, AB, अपोजिट साइड है ना, AC, अपोजिट साइड क्या हो गया, AC, तो पी हो गया AC, और हाइपोटेनस क्या हो गया, AB, ठीक है। तो AC क्या हो गया, √3x, और AB क्या हो गया, 2x, ये हो गया √3/2, ठीक है। तो साइन बी का वैल्यू निकल गया,
यहाँ भी कॉस ए कॉस बी चाहिए, तो कॉस ए कॉस बी है ये है, ठीक है। साइन ए साइन बी चाहिए, साइन ए साइन बी चाहिए, तो दोनों में जो जो वैल्यू चाहिए वो हमको मिल चुका है। तो हम लोग जो है सॉल्व करेंगे पहला क्वेश्चन, साइन ए है ना, साइन ए पहला क्वेश्चन, साइन ए का वैल्यू कितना है, ठीक है। हम बिना एक्सप्रेशन लिखे कर रहे हैं, कॉस बी का वैल्यू कितना है, हाफ है, ठीक है। प्लस प्लस क्या है, कॉस ए, कॉस ए का वैल्यू कितना है, रूट थ्री बाई टू। उसका साइन बी है, साइन बी का वैल्यू रूट थ्री बाई टू, ठीक है। ये सॉल्व हो गया हमारा, ये हो गया वन बाय फोर, प्लस ये हो जाएगा थ्री बाय फोर, इस दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा, फोर बाय फोर इक्वल टू वन, हमारा हो गया वन आंसर। अब सेकेंड हम लोग बनाते हैं, सेकेंड में क्या है, कॉस ए कॉस बी, कॉस ए है, कॉस ए का वैल्यू कितना आया है, रूट थ्री बाय टू। अब कॉस बी चाहिए, कॉस बी का वैल्यू हाफ है, ठीक है। माइनस उसका साइन ए का वैल्यू, साइन ए का वैल्यू कितना है, हाफ है। साइन बी चाहिए, साइन बी का वैल्यू रूट थ्री बाई टू, ठीक है। ये क्या हो गया, रूट थ्री बाय फोर, और ये भी हो गया हमारा रूट थ्री बाय फोर, दोनों बराबर है, प्लस माइनस कट गया, क्या आ गया, जीरो। तो एक का आंसर वन आ गया और दूसरे का आंसर जो है जीरो आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो बहुत आसान है, इसमें कोई बहुत बड़ी डिफिकल्टी नहीं है। ज्योमेट्रिक रेशियो को डिटरमाइन कर लेंगे, उसके बाद जो वहाँ जो वैल्यू की ज़रूरत पड़ी उसको हम उसमें फीड कर देंगे, आराम से बन जाएगा, ओके। अब यहाँ पर क्या है, दिया हुआ एक एंगल ए और बी जो है एक्यूट एंगल्स है, एंगल ए और एंगल बी जो एक्यूट एंगल है, इस तरह से एक्यूट एंगल है कि कॉस ए और कॉस बी दोनों बराबर है ना, कॉस ए और कॉस बी इक्वल है। तो बोल रहा है ये प्रूव कीजिए कि एंगल ए और एंगल बी भी इक्वल है, तो सेम ट्रायंगल में तो देंगे तो इक्वल हो जाएगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, एंगल ए और बी को दो डिफरेंट ट्रायंगल में ले लेंगे, वहाँ पर अगर प्रूव कर पाए हाँ एंगल ए और बी इक्वल है इसके हेल्प से, तो ए जो है अच्छी बात होगी, ठीक है ना। सेम एंगल में तो, सेम ट्रायंगल में तो एंगल ए और बी आराम से इक्वल हो जाएगा, दोनों एक क्यूट एंगल है, एक 90 है, दोनों 45-45 हो जाएगा। तो वैसे नहीं करना, हमको टू डिफरेंट ट्रायंगल ले लेंगे और फिर प्रूव करेंगे। दो ट्रायंगल लेंगे, दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे, अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा तो रेशियो ऑफ साइड भी इक्वल हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली जो है दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएगा। तो हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है दो ट्रायंगल को, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एंगल ए और बी दोनों को दो डिफरेंट ट्रायंगल में रखेंगे, एक ट्रायंगल हमने ये लिया, ठीक है, और इसको हमने मान लिया, ये हो गया। फिर इसी तरह का हम एक और ट्रायंगल लेंगे, ठीक है, इसको हमने मान लिया एंगल बी, ये एंगल हुआ, एंगल ये, ठीक है, ए बी लिख दिए। अब क्या है, एंगल सी ले लो इसको, और इसको डी हम मान लेते हैं, ठीक है, और इसको जो है हम लोग ई मान लेते हैं और एफ मान लेते हैं। ये हमारा हुआ 90, ये हमारा हुआ 90, तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब एंगल ए यहाँ है और एंगल बी यहाँ है, दो डिफरेंट एंगल में एंगल ए एंड बी है। तो अब अगर एंगल ए सी डी और एंगल बी ई एफ को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे तो रेशियो ऑफ साइड इक्वल हो जाएगा ना, तो हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे तो रेस्पेक्टिव एंगल भी इक्वल हो जाएगा, ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, ये एंगल इसके बराबर तो है ही पहले से, तो ये इसके बराबर हो जाएगा और ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हो जाता है अगर कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करेंगे तो। अब हमको इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है,
तो कॉस ए का मतलब क्या हो गया, कॉस ए का मतलब एंगल ए के लिए है, एंगल ए यहाँ है इसका, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए रहे चाहे कॉस बी रहे, इसका फॉर्मूला होगा कॉस का होगा बी बाई एच, इसका भी होगा बी बाई एच ही होगा, दोनों का फॉर्मूला एक ही होगा। कॉस ए के लिए, कॉस ए के लिए बी कौन होगा, ए के लिए एंगल ए है, इसके लिए बेसिक लेंथ ये होगा ए सी, तो इसको हम लोग ए सी लिख दिए। और हाइपोटेनस कौन होगा, 90 डिग्री के अपोजिट कौन है, ए डी, तो ए डी हो गया ये, ठीक है। और कॉस बी के लिए बेस कॉस बी, एंगल बी के लिए बेस कौन होगा, ये होगा बी ई। और एंगल बी के लिए हाइपोटेनस कौन होगा, ये होगा बी एफ, ठीक है। अब क्या है, हम इसको थोड़ा सा अरेंज कर देंगे, है ना, अब ऐसा अरेंज कर देंगे कि लगेगा कि जैसे इसके और इसके साइड का रेशियो है। तो ये ए सी किसका है, ए सी ये है, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इधर बी ई है, तो हम बी ई को यहाँ ले आएंगे और ए डी को वहाँ ले जाएंगे, ठीक है। बी ई को यहाँ लाएंगे और ए डी को उठा कर यहाँ ले जाएंगे, जा ही सकता है ऐसा, ठीक है। क्या किया हमने, बी ई को हमने उठाकर यहाँ ले आएंगे और ए डी को उठाकर यहाँ ले आएंगे, ठीक है। ऐसा हम लोग कर सकते हैं, क्रिस क्रॉस में कर सकते हैं, ऐसा मैथ में है, ऐसा हम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ भाग है तो ये जाके यहाँ गुना हो गया, यहाँ गुना है तो ये जाके यहाँ भाग हो गया, तो हो गया ए सी बाय बी ई, और ए डी यहाँ चला गया तो ए डी बाय बी एफ हो गया, ठीक है। अब ए सी बाय बी ई, ए सी बाय बी ई, ए सी बाय बी ई इक्वल टू ए डी बाय बी एफ, ये दो तो हो गया इक्वल रेशियो, इस दोनों का रेशियो और इस दोनों का रेशियो इक्वल हो गया। अब इस दोनों का भी रेशियो अगर इक्वल हो जाती है कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, तो इसलिए हम इसको मान ले, इसको मान लिए एक्स, अज्यूम कर, ठीक है। तो हमको निकालना क्या है, अब हमको निकालना है सी डी और उधर निकालना है ई एफ, सी डी और ई एफ निकालना है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हम इस दोनों को x मानेंगे तो ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, b जाके इधर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x b e हो जाएगा, एंड ए डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर जाके गुना होगा तो क्या होगा, ये इधर जाके गुना हो जाएगा तो x इंटू बी ए, वो ए सी का वैल्यू मिल गया x इंटू बी ई, और ए डी का वैल्यू मिल गया, मतलब ये इसको x मानो तो ये x इसके इक्वल भी हो गया, ठीक है। अब जैसे हम इसको हटा देंगे, मान लीजिए ये हटा दिए, अब हम मान लिए इसके इक्वल टू x हो, तो क्या होगा, ए सी इक्वल टू x भी होगा कि नहीं, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, या अब लिखते हैं हम लोग ए डी बाय बी एफ, अब मान लेते हैं इसको हम हटा दें, ठीक है, ये हट गया, तो ए डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स इंटू बी एफ होगा ना, तो क्योंकि दोनों का वैल्यू तो हमने एक्स ही माना इसलिए बना लिया इसको। अब हम लोग जो है थर्ड साइड जो सी डी इधर निकालना है और इधर ई एफ थर्ड साइड, तो हम लोग यहाँ निकालते हैं, ठीक है। तो कैसे निकलेगा, ये तो हाइपोटेनस राइट एंगल ट्रायंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है कि साइड निकालेंगे तो ये तो हाइपोटेनस है ना, यहाँ निकलेगा क्या, ए डी स्क्वायर बाय सी डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर हो गया। और इस ट्रायंगल में अगर हम निकालेंगे तो निकलेगा बी एफ स्क्वायर इक्वल टू बी ई स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर, यही निकलेगा ना। तो हमको क्या निकालना है, सी डी, ठीक है। यहाँ पर ए सी का वैल्यू दिया हुआ है और ए डी का वैल्यू दिया हुआ है, ए डी का वैल्यू हम लोग लिखेंगे
एक्स इंटू डी एफ हो गया। उसके बाद एसी का भी वैल्यू दिया हुआ है, एसी का वैल्यू है, सीडी का वैल्यू दिया हुआ नहीं है। एसी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, एक्स इंटू डी स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू डी एफ स्क्वायर इक्वल टू सी डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू बी ई स्क्वायर हो गया। अब इसको जो है कैलकुलेट करते हैं, इधर भी हम इसके कैलकुलेशन को बढ़ा देते हैं, ठीक है। बी एफ स्क्वायर, तो बी एफ स्क्वायर इक्वल टू बी ई स्क्वायर, ठीक है। तो बी एफ स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास क्या दिया हुआ है, इसका वैल्यू हमको देना पड़ेगा। तो इसमें जो है हमको क्या निकालना है, यहाँ पर क्या क्या निकला हुआ है, बी ई का वैल्यू ये दोनों निकल चुका है, हमको ई एफ निकालना है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई एफ स्क्वायर इक्वल टू बी एफ स्क्वायर माइनस बी ई स्क्वायर, यही ना होगा। इधर से ये मिल गया, अब इधर से हम लोगों को कैलकुलेट करना है। इधर से हम लोग कैलकुलेट करेंगे सी डी स्क्वायर के लिए, तो सी डी स्क्वायर क्या निकलेगा, इसको उठा के इधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू बी एफ स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू बी ई स्क्वायर। अब जो है यहाँ पर एक्स स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे तो क्या मिल रहा है हमको, बी एफ स्क्वायर माइनस बी ई स्क्वायर मिल गया। तो यहाँ पर क्या मिल गया, सी डी स्क्वायर का वैल्यू ये हो गया। अब जो है हम लोग सी डी का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो स्क्वायर रूट हो जाएगा एक्स स्क्वायर बी एफ स्क्वायर माइनस बी ई स्क्वायर, यही मिल गया हमको, ठीक है। तो अब जो है, अब हम जो है क्या निकालें, ये दोनों रेशियो तो देख लिए हैं, अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम इस दोनों का रेशियो निकालेंगे। अब इस दोनों का रेशियो इसका भी निकाल लेते हैं, ई एफ, ई एफ इक्वल टू क्या आता है, स्क्वायर रूट ऑफ बी एफ स्क्वायर माइनस बी ई स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, क्लियर। तो इसको निकालना होगा, सी डी इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो ये तो निकल जाएगा, एक्स स्क्वायर को स्क्वायर रूट हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट नहीं होगा, तो उसको हम लोगों को क्या करेंगे, हम स्क्वायर रूट के अंदर लिखेंगे इसको, बी एफ स्क्वायर माइनस बी ई स्क्वायर इन करेंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे, ए सी बाय बी ई निकालें, ए सी बाय बी ई निकाले हैं, ए डी बाय बी एफ निकाल रहे हैं, तो हम लोग निकालेंगे सी डी बाय ई एफ, ठीक है। अब हम लोग निकालते हैं सी डी बाय ई एफ, सी डी बाय ई एफ, तो सी डी का वैल्यू कितना निकला, एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी एफ स्क्वायर माइनस बी ई स्क्वायर, ठीक है। और ई एफ का वैल्यू कितना आ रहा है, ई एफ का भी वैल्यू वही आ रहा है, बी एफ स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो ये ऊपर नीचे दोनों है, बी एफ स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी एफ स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये पूरे कट गया, क्या बचा हमारे पास, एक्स हो गया, ठीक है। और जब ये एक्स हो गया तब तीनों इक्वल हो गया ना, देयरफॉर ये भी तो एक्स आ गया और ये दोनों भी एक्स आ गया, देयरफॉर ए सी बाय बी ई इक्वल टू ए डी बाय बी एफ इक्वल टू सी डी बाय ई एफ इक्वल टू एक्स, सब इक्वल हो गया, देयरफॉर ट्राइंगल ए सी डी एंड ट्राइंगल बी ई एफ आर कॉन्ग्रुएंट,
आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। और जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो रेस्पेक्टिव एंगल बराबर हो गया, ठीक है। देयरफॉर ट्रायंगल एसीडी एंड बीईएफ आर ट्रायंगल, क्योंकि रेशियो ऑफ साइड इक्वल हो गया, तीनों रेशियो, इसका रेशियो, इसका रेशियो, इसका रेशियो, तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो गया। जब किसी भी दो ट्रायंगल का कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है, और जब वो कॉन्ग्रुएंट हो गया तो जो रेस्पेक्टिव एंगल्स है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, वो भी इक्वल हो जाएगा। अब ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, ये एंगल इसके बराबर है जो है, और ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। देयरफॉर एंगल डी इक्वल टू एंगल एफ, एंगल सी इक्वल टू एंगल ई जो पहले से, एंड एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, यही तो प्रूव करना था, प्रूव हो गया, तो सारे क्वेश्चन प्रूव हो गए, ठीक है। इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है और बनाना है, दिमाग लगाना है। ओके, गुड नाइट।